कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची, हैदराबाद डिविजन्स में पोलिंग के दिन फौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म भी दे दिया है। ज़ुल्क़र्नैन इकबाल इसी पर रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बड़े मुकदमे का बड़ा फैसला आ गया। कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म। एमकेएम को रिलीफ न मिल सका। कमीशन ने 6 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वजारत दाखला को पुरमन पोलिंग के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने का भी कह दिया गया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। एमकेएम की दरख्वास्त मुस्तरद जमात इस्लामी की पोलिंग मौखर ना करने की सदा मंजूर की जाती है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के इंतजाम यकीनी बनाए। फैसला देने के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखला को कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स तैनात करने का खत भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि क्विक रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट रखें। पोलिंग सामान की आरओ दफातर को बाहिफाजत मुंतकली और इंतखाबी अमले की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ज़ुल्क़र्नैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।